सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है और गन्ना का जूस पीना मेरा इधर बीमार होने के बाद रेगुलर ड्यूटी हो गया। तो लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि गन्ना के जूस से कुछ भी नहीं होता, बट लिटरली वो मुझे बहुत पसंद है। और जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, मुझे जाने से पहले मैं बाहर कुछ ना खाने के सिवाय मैं सोचती हूँ कुछ जूस पी लूँ, तो मुझे गन्ना का जूस ज़्यादा पसंद है, मैं गन्ना का जूस प्रेफर करती हूँ। और मेरे को जाना था कॉलेज, और मैं कॉलेज में ना बहुत दिन से पेपर वर्क डाला हुआ था, वो बहुत पेंडिंग में था, तो फिर जाती हूँ कॉलेज। सोलह का है, जहाँ हमने पेपर जमा किया तो वो हमें बोलते कि दो दिन के बाद आना है, और दो दिन के बाद कैसा था, क्योंकि उसी दिन लास्ट डेट था एग्जाम फॉर्म जमा करने का। फिर मुझे मालूम चलता है कि कॉलेज में हो रहा है होली महोत्सव, होली मिलन समारोह था, तो मैं कोई वहाँ पे सोचती, जब तक सबका डांस देख रही थी, लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, पूरा भोजपुरी गाना वगैरह पूरा चालू था, तो मैं वो देखी। फिर यहाँ देखी सब लोग कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं, मैं सोची जब तक ये देखूंगी तो मैं ना दूसरे का पता कि तू बोले मुझे 2 बजे के बाद आपको पेपर मिल जाएगा, तो मैं सोची जब तक यहाँ पे मैं होली समारोह को इंजॉय करती हूँ। वैसे आपके कॉलेज में होली समारोह कैसा होता है मुझे ज़रूर बताना। चैनल में न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ गाइज, आप लोग के 1 सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर लड़के हैं एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे भी बहुत मन किया यहाँ होली खेलने, क्योंकि एक्चुअली मैं पटना में रहती हूँ, होली में कहीं जाती नहीं हूँ, तो पटना में कुछ वैसा सीन होता नहीं, क्योंकि सारे पटना के लोग ना चले जाते हैं होली खेलने के लिए अपने गाँव वगैरह, तो उतना सेलिब्रेशन होता नहीं है पटना में। तो मुझे भी बहुत मन था, बट मेरे उतने अच्छे से दोस्त थी कहाँ कॉलेज में जिनके साथ मैं होली खेलूँ। सो होपफुली ये ईयर सारे फ्रेंड्स को अच्छे से बना के फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान करेंगे, लास्ट ईयर जो होगा उस ईयर हम लोग ज़रूर से ज़रूर होली खेलेंगे गाइस। फिर कॉलेज में आता है कैमरामैन, तो लोग उसको देख के ना सबको उधर चले जाते हैं अपना अपना इंटरव्यू देने के लिए, सबको जैसे जैसे बड़ा सा DSLR लोग को दिखता है ना, तो लोग उधर चले गए थे अपना अपना देने के लिए। फाइनली अत्यंत होली खेल रहा है लोग। सो पेपर वर्क हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होता है, तो फिर से मैं सोचती चलो अब घर जाने से पहले थोड़ा सा होली समारोह को और इन्जॉय कर लूँ, सबको देखती हूँ होली समारोह। और मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि वो भी आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों का भी वेट कर रही थी। सो फ्रेंड्स लोग के आने के बाद मैं जाती हूँ क्राउड में, और क्राउड में जाने के बाद भाई देखने का सीन ही क्या था, मतलब कि क्या ही मज़ा आता है यार देखने का, और जो लोग इन्जॉय कर रहे थे उनको और ही मज़ा आ रहा होगा, मतलब को आई लिटरली आई कांट एक्सप्लेन, जस्ट लुक देम हाउ दे आर इन्जॉइंग ना, ये लोग पूरा इन्जॉय करते हैं। बस लड़के इन्जॉय कर रहे थे, इधर देख लो इधर लड़कियाँ भी पूरा इंजॉय कर रही थी, पूरा डांस वांस सब कर रही थी भाई, बहुत इंजॉय किया इन लोगों ने भी, पूरा लोग गुलाल उड़ा रहे थे हवा में, मींस लिटरली होली वाला थीम वाला फील आ रहा था कि हाँ होली है। पूरे साल जब मैं कॉलेज आती हूँ तो इतना लोग मुझे कभी नहीं दिखते हैं, बट कुछ फंक्शन या कुछ होता है ना मेरे कॉलेज में तो लिटरली पूरे लोग आते हैं, ऐसे तो लोग लगता है कॉलेज में लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है। और ये देखो होली समारोह के दिन कितने सारे लोग आए हैं, और सब एक दूसरे को अबीर से पूरा मुंह को कवर करके एकदम भूत बना दिए। ये है मेरा फ्रेंड बोल रहा है मुझे भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करो, वीडियो में डालो। फिर ये लोग भी मेरे बैचमेट्स हैं, ये लोग भी पूरा होली होली इंजॉय कर रहे थे, लू देम हाउ दे आर इंजॉइंग। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।